राजस्थान में आंखलिया चौराहे के पास बापू कॉलोनी में शनिवार रात शादी में डीजे बजाने की बात पर हुई चाकूबाजी में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि एक नाबालिग सहित 6 आरोपी पहले से ही प्लानिंग करके शादी में आए हुए थे, जिन्हें बदला लेना था और इसी फिराक में उन्होंने जानबूझकर डीजे बजाने को लेकर पहले झगड़ा किया और फिर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें अमन खान को अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। वहीं अन्य 2 का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 15 घंटों के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी प्रेम धंधे ने बताया कि शनिवार रात आंखलिया चौराहे के पास बापू कॉलोनी में करीब 11 बजे पुलिस को हत्या की जानकारी मिली थी, जिसके बाद जिलाधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। यहां आशिफ नामक व्यक्ति के शादी समारोह में 2 पक्षों में हुए विवाद में अमन पुत्र इकबाल खान निवासी कबीर नगर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने आरोपियों को, जो कि सभी बापू कॉलोनी के रहने वाले थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि आरोपियों का पुराना विवाद चल रहा था। कुछ दिन पहले ही दोनों पक्ष भिड़े थे, जिसमें बदला लेने के लिए जानबूझकर ये झगड़ा किया गया। प्रतापनगर थानाधिकारी मुक्ता पारीक ने बताया कि दोनों पक्ष बापू कॉलोनी के हैं। कुछ महीनों पहले अमन के पिता अपने परिवार के साथ कबीरनगर में रहने चले गए थे। कुछ दिन पहले अमन व अजरुद्दीन में विवाद हो गया था। झगड़ा ज्यादा न बढ़े इसलिए समाज के लोगों ने दोनों पक्षों का राजीनामा कराया और तभी से अजरुद्दीन अमन को मारने का मौका ढूंढ रहा था। उसे पता था कि अमन आशिक की शादी में जरूर आएगा। उसने पहले से ही प्लानिंग की और दावत में चाकू, पाइप और अन्य हथियार लेकर आया। शादी में अमन अपने बड़े भाई मोइन के साथ आया तो उसने डीजे का बहाना बनाया और झगड़ा शुरू कर दिया। दोनों में बहस हुई तो उनके साथी भी जमा हो गए, जहां अजरुद्दीन व उसके साथियों ने हथियार निकाल कर अमन पर वार करने शुरू कर दिए और उसके बाद वो वहां से भाग निकले। इधर अमन को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने अमन के भाई की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़।